कई वर्षों से यहाँ पर पदस्थ सर हेड साहब भी हैं और कई सिपाही भी हैं, इनका आज तक तबादले नहीं हुए, तो इसमें अवैध गतिविधियों से उनकी सांठगांठ होती है और कई तरीके के उन पर आरोप लगते रहे हैं, इस पर क्या ध्यान दिया जाएगा? देखिए, आज पहली बार मैं इन थानों के विजिट के लिए आया हूँ, यहाँ पर बैठ के अधिकारियों से कर्मचारियों से सबसे बातचीत की, सब लोगों से उनकी जो परेशानियाँ हैं कोरोना के काल में जो उन्होंने काम किया है उसके लिए उनको बधाई दी, और कुछ कुछ कर्मचारियों की कुछ परेशानियाँ रहती हैं उनके बारे में चर्चा की। साथ के साथ मैं इन चीज़ों को भी जाना पहचाना कि कौन लोग कितने दिनों से यहाँ पर पदस्थ हैं, कहाँ कहाँ पदस्थापना आ रही है, उसमें भी जो भी नियमानुसार नियम हैं उनके अनुसार से उनकी पदस्थापना में उसको देखा जाएगा, यदि किसी तरह कोई शिकायत है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ा हिस्सा देवास जिले से गुजरता है जहाँ पे अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन जोरों पर है और इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई सैकड़ों डंपर निकलते हैं, तो इस संबंध में आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? कोई भी अवैध गतिविधि हो, चाहे वो युवा संख्या है, अवैध शराब है, अवैध रेत है, सभी अवैध गतिविधियों पर बहुत ही सख्ती से प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा, उसके लिए हम लोग कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। आज सभी अधिकारियों के साथ बैठ के ये तैयारी की है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, उन सबको समझा जाएगा, उसके हिसाब से उसकी कार्ययोजना तैयार करके बहुत ही सख्ती से प्रभावी तरीके से उनके ऊपर। इटली घाट है, खातेगांव थाना अंतर्गत आता है, उसके बाद सतवास थाना से सर सामने से ट्रैक्टर होकर गुजरते हैं, इसके बाद भी सर कार्रवाई नहीं हो पाती, ऐसे क्या कारण रहे होंगे सर? मैं अब यहाँ से खातेगांव जा रहा हूँ और उसके बाद सतवास में जाऊँगा, तो देखता हूँ कि क्या क्या परेशानियाँ हैं। सर कल खातेगांव थाना अंतर्गत रात में भी सर बहुत मामला विवादों में रहा, वो सोशल मीडियाओं पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, कोई एक शर्मा करके ट्रैक्टर की ट्राली थी वो छोड़ दी गई, कोई गुजर की ट्रैक्टर ट्राली थी उस पर चोरी का मुकदमा बना दिया गया। कई बार तो देखने में भी आता है कि नेमावर से खातेगांव से अवैध ट्रक निकल के जाते हैं और खातेगांव थाने में आके कार्रवाइयां होती है, तो क्या वहां का बल इस दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता? नेमावर और खातेगांव से जब अवैध ट्रक का संचालन होता है तो रेत मार्ग में अपना संचालन करते हुए कोई भी थाने का कोई भी बल यदि कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है या कहीं पर कोई लापरवाही बरत रहा है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं चेक करता हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हैं। 28 जून को रात में सर झगड़ा हुआ था दिन दहाड़े, पुलिसकर्मियों पे मार दिया गया था, प्राणघातक हमला था, उसके बाद में भी प्राणघातक धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं हुआ था। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है कि किसी सरकारी कर्मचारी पर अधिकारी पर कोई मारपीट की घटना की है उनका हम NSA करेंगे, साथ के साथ में ही कुछ लोगों का जिला पत्र तैयार किया जाएगा। धन्यवाद सर।